सो हेलो दोस्तों वेलकम बैक टू विजन क्लासेस सो आज का motion. हमारा टॉपिक है कंस्टेंट मोशन ये टॉपिक हमारा थ्योरी ऑफ मशीन का है सो so, आज हम लोग पढ़ेंगे कंस्ट्रेंट मोशन के बारे में तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कंस्ट्रेंट क्या होता है ओके okay? तो कंस्ट्रेंट में होता है विवर्स या फिर आप कह सकते हैं लाचार फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मान लीजिए आपको भूख लगा ओके सो okay? so, आप लाचार हैं कि जब तक आप खाना नहीं खाएंगे तब तक, तक आपका पेट नहीं भरेगा ओके सो ये कंस्ट्रेंड होता है सो so, वैसे ही हम थ्योरी ऑफ मशीन में पढ़ेंगे कि कंस्ट्रेंड मोशन क्या होता है ओके सो कंस्ट्रेंड मोशन आपके तीन प्रकार के होते हैं कंप्लीटली कंस्टेंट मोशन इनकम्प्लीटली कंस्टेंट मोशन एंड सक्सेसफुली कंस्टेंट मोशन सो हम इसको लाइन बाई लाइन पढ़ेंगे ओके तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है कंप्लीटली कंस्टेंट मोशन ओके सो आइए जानते हैं क्या होता है वेन द मोशन बिटवीन अ पियर इज़ लिमिटेड टू अ डेफिनेट डायरेक्शन इरिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड द मोशन इज़ नोन एज कम्प्लीटली कंस्टेंट मोशन मतलब कि जब हम किसी पेयर के बीच में मोशन होता है तो वो एक डेफिनीट डायरेक्शन में होता है और जिस डायरेक्शन में फ़ोर्स अप्लाइड किया गया हो उसी डायरेक्शन में मोशन होता है उसके अलावा किसी भी डायरेक्शन में मोशन नहीं होता ऐसे प्रकार के मोशन को हम कंप्लीटली कंस्टेंट मोशन कहते हैं ओके फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं जैसे कि ये आपका हो गया फिगर जैसे कि ये स्क्वायर बॉक्स है इसमें स्क्वायर वोल है ओके और ये हो गया एक आपका स्क्वायर बार तो जब हम इस पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये इसमें स्लाइड होगा ना कि रोटेट होगा ओके तो जब तक हम इसमें फोर्स अप्लाइड किए तो ये इसमें स्लाइड होगा और इसमें रोटेट नहीं होगा ओके क्योंकि स्क्वायर शेप का है सो so, ये हो गया आपका कंप्लीटली कंस्टेंट मोशन ओके नेक्स्ट पॉइंट अब हम लोग स्टडी करेंगे इनकम्प्लीटली कंस्टेंट मोशन के बारे में ओके सो ये सेकेंड पॉइंट हो गया इनकम्प्लीटली कंस्टेंट मोशन वेन द मोशन बिटवीन द पेयर टेक्स प्लेस इन मोर देन वन डायरेक्शन मोशन इज कॉल्ड इनकम्प्लीटली कंस्टेंट मोशन सो जब पेयर के बीच में मोशन हो रहा हो वो एक से अधिक डायरेक्शन में हो रहा हो ऐसे मोशन को हम लोग इनकम्प्लीटली कंस्टेंट मोशन कहेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि आपके डोर का नॉब हो गया सो जब आप उसको बंद करेंगे तो वो स्लाइड भी होता है और वो रोटेट भी हो सकता है ओके okay? सो so, ऐसे ऐसे मोशन को हम इनकम्प्लीटली कंस्टेंट मोशन कहते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि हमारा एक ड्राॅइंग है इसमें एक राउंड होल है ओके okay? और ये आपका साफ्ट हो गया तो जब आप इस पर फोर्स अप्लाइड करेंगे तो ये शॉफ्ट यहाँ से रोडियर यूज होता है और इसमें रोटी भी कर सकते हैं आप और इसमें ये बोश भी हो सकता है मतलब कि इसमें ये स्लाइड भी हो सकता है ओके सो so, ऐसे तो इसमें आपको दो फोर्स दिख रहा है दो मोशन हो रहे हैं इसमें जैसे कि ये रोटीट भी हो रहा है और स्लाइड भी हो रहा है तो ऐसे मोशन में हम इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन कहते हैं ओके मोशन ऑफ सर्कुलर साफ्ट इन साइड ए सर्कुलर होल कैन बी मैं पे स्लाइड कर लेता हूँ ओके स्लाइडिंग और रोटेशनल मोशन डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड तो ये हमारा फोर्स के डायरेक्शन फोर्स अप्लाइड के डायरेक्शन पर डिपेंड करता है कि स्लाइड हो रहा है या रोटेट ओके सो हम थर्ड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं तो ये होता है आपका सक्सेसफुली कंस्टेंट मोशन तो आइए जानते हैं कि क्या होता है ओके वेन द मोशन बिटवीन टू एलिमेंट्स ऑफ ए पेयर इज पॉसिबल इन मोर देन वन डायरेक्शन बट इज़ मेड टू हैव मोशन ऑनली इन वन डायरेक्शन बाई यूजिंग एक्सटर्नल फोर्स सो जब किसी दो एलिमेंट या फिर पेयर के बीच में जब मोशन होता है और वो एक से अधिक डायरेक्शन में तभी पॉसिबल है जबकि उस पर अलग से एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाइट करते हैं सो so, वो होता है आपका सक्सेसफुली कंस्ट्र मोशन जैसे कि फॉर एग्जाम्पल नहीं लेते हैं फुट स्टेप बियरिंग हो गया आपका ओके तो यहाँ पे होता है ये आपका बियरिंग हो गया और ये आपका शाफ्ट हो गया तो आप देख सकते हैं इसमें इसमें शाफ्ट रोटेट कर रहा है ओके और जब आप इस पर लोड अप्लाई करेंगे आप ऊपर से इस पर लोड अप्लाई करेंगे ओके सो इसमें वर्टिकल मोशन भी होगा ओके सो आगे बढ़ते हैं ए शाफ्ट मोशन इन ए फुट स्टेप बियरिंग शाफ्ट में बी रोटरी मोशन एज़ वेल एज वर्टिकल मोशन by putting load on the shaft motion can be constrained only root b thus it is called successfully constrained motion bhai ki jaise foot step bearing ho gaya isme shaft jo hai ye rotate bhi kar raha hai so agar hum isme vertical force apply karenge to ye vertical motion bhi karega okay so aise motion को हम लोग कहते हैं successfully constrained motion, okay? So अगर आपको ये टॉपिक पसंद आई हो सो so, लाइक like करें शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू